श्री राम नवमी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। आज के शुभ अवसर पर पूर्व भाग में श्री राम मंदिर में बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आए हैं। बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था किया जाने की वजह से किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं महसूस हुआ। यह भगवान श्री राम के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी अच्छाई, निष्पक्षता और एक आदर्श व्यक्ति होने के कारण उनका बहुत सम्मान किया जाता है, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है। भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ, इसलिए रामनवमी के दिन इस समय उनकी पूजा की जाती है। इस दिन लोग भगवान राम के आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व मंदिरों में जाते हैं, श्री राम मंदिर प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे स्थान का दर्शन के लिए आए हैं, उपवास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। भगवान राम की कहानी वाल्मीकि की रामायण में बताई गई है, जो हिंदू धर्म के लगभग 8वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जब राजा दशरथ वहाँ शासन करते थे, तब अयोध्या बहुत अच्छा रही थी, लेकिन उनकी विरासत और आगे बढ़ाने के लिए उन कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक विशेष समारोह आयोजित किया, जिसे यज्ञ कहा जाता है। इस समारोह के दौरान कई बुद्धिमान लोगों और देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और उनसे दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। इस बीच रावण, जो लंका का शासक था, बहुत परेशान पैदा कर रहा था। उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा एक विशेष शक्ति दी गई थी, जिसका अर्थ था कि उसे देवताओं और आत्माओं या राक्षसों द्वारा नहीं, केवल मनुष्यों द्वारा ही मारा जा सकता था। रावण बहुत शक्तिवान था और उनके पास जादुई हथियार थे और वहाँ अपना आकार बदल सकता था, जिससे उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर आने और रावण को हरण के लिए कहा। यज्ञ समारोह समाप्त होने के बाद एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को उनकी पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ साझा करने के लिए पायसम नामक एक विशेष पेय दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक जुड़वा बच्चे थे। मैं आशा करता हूँ कि हम सब हमारे जीवन में श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करें इस पुण्य दिन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
पीछे उम्मीदवार अंदर राम का खुद साहब अपना धोने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आशीर्वाद द्यावे जय श्री।